हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईस्टर्न यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनवरी के महत्वपूर्ण घटना यानी 2020 जनवरी इंपोर्टेंट इवेंट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों हमने वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने जनवरी का करंट अफेयर का वीडियो और ये वीडियो देखा है तो दोस्तों मैं शर्त लगा से कह सकता हूँ कि इससे बाहर आप से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भारत के किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और उस पर जो पीडीएफ है, इसके अलावा और अन्य जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लिग्नाइट बेस्ड थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पावर प्लांट की क्षमता क्या होगी? तो इस पावर प्लांट की क्षमता होगी 500 मेगावाट। चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट 2020 में आई राष्ट्रीय आपराधिक रिपोर्ट 2018 के बारे में। यानी दोस्तों, ये रिपोर्ट तो है 2018 की जो 2020 में जारी की गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा में शीर्ष पर रहा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह क्राइम रिपोर्ट NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई है। अब दोस्तों, आपको NCRB के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें तो इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना 11 मार्च 1986 में की गई थी। NCRB का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके डायरेक्टर है रामफल पवार और दोस्तों यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कार्य करती है। तो आपको इतना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के बारे में याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बलात्कारों की दोष सिद्धि दर क्या रही है? तो यह रही है 27.2% बलात्कारों की दोष सिद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रति लाख महिलाओं पर 166 अपराध दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है असम राज्य में। असम राज्य में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 166 अपराध दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको असम या अन्य राज्यों से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जो हमने फोकस किया है वो इंपोर्टेंट इवेंट्स पर फोकस किया है। आपको मैं हर वीडियो में असम, तमिलनाडु या अन्य राज्यों के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूं तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या करने वालों की सबसे अधिक किस राज्य में दर देखी गई है? तो दोस्तों, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के मुकाबले इस वर्ष अपराध कितने प्रतिशत घटा है? तो यह है 1.3% अपराध घटा है 2016 के मुकाबले। दोस्तों, आपको बता दें, यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। 2016 में जहां अपराध इस बहुत ज्यादा थे, वहीं इसमें 1.3% की कमी आई है। दोस्तों, आपको बता दें, टोटल अपराधों में 1.3% की कमी आई है, वहीं महिला अपराध थोड़े ज्यादा बढ़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में अपराध दर प्रति लाख पर कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है 383। वर्तमान में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर 383 अपराध की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन पर सबसे अधिक अपराध किस राज्य में हुए हैं? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक अपराध देखे गए हैं सीनियर सिटीजन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में कितने राज्यों ने अपना डाटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है? तो दोस्तों, ऐसे कुल 5 राज्य हैं जिनने अपना डाटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। वह है पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। इन 5 राज्यों ने अपना डाटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या करने में
सबसे अदिक कौन सा दोष रहा है? जिसका सही ऑप्शन है दोस्तों दैनिक वेतन। दैनिक वेतन जो दैनिक दिहाड़ी करते हैं उन लोगों ने सबसे अधिक आत्महत्या की है, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्तमान में दैनिक मृत्यु संख्या कितनी है? तो यह है 30,127। भारत में प्रतिदिन 30,127 मृत्यु हो जाती हैं, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आप तक लेकर आया हूं। आप दोस्तों इन क्वेश्चंस को रटें, हर एग्जाम में आपसे एक ना एक क्वेश्चन इस रिपोर्ट से पूछा जा सकता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के बारे में। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और हेड है बिमल के रॉय। दोस्तों आपको बता दें यह सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है CSO के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट 2018-19 में कितने प्रतिशत बताई गई है? तो दोस्तों यह बताई गई है 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 और 20 के लिए भारत की ग्रोथ रेट CSO द्वारा कितनी बताई गई है? तो यह बताई गई है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSO अनुसार ग्रोथ रेट कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये तीनों सेक्टर हैं ग्रोथ रेट कम होने की। अब दोस्तों बात करते हैं हम रायसेना डायलॉग की। इससे हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको कोई ना कोई एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका आयोजक है जो मंत्रालय वह विदेश मंत्रालय है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका यानी रायसेना डायलॉग का यह 5वां संस्करण था। यह सिंगापुर के सकरीला डायलॉग पर आधारित है। दोस्तों इसकी थीम रखी गई थी नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी, रायसेना डायलॉग की थीम रखी गई थी। वहीं दोस्तों ये सारा इंग्लिश में मैटर दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैटर अलग से दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे आप हिंदी में पढ़ती हैं वैसे ही आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और PDF में भी आपको दोस्तों दोनों भाषाओं में दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ICC वनडे रैंकिंग की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ICC की, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर जो भारत के हैं, और CEO है मनु साहनी, ये भी भारत के हैं। अब बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में चर्चा। तो पहला क्वेश्चन है वनडे के सबसे बेहतर बल्लेबाज किसे चुना गया है? तो यह है विराट कोहली। वनडे का सबसे बेहतर गेंदबाज किसे चुना गया है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। वनडे का सबसे बेहतर टीम कौन सी है? तो ये इंग्लैंड टीम है। टेस्ट में सबसे बेहतर टीम भारतीय टीम है। वहीं T20 की बात करें तो पाकिस्तान T20 में सबसे बेहतर टीम है, वहीं भारत का इसमें 5वां स्थान है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ICC के से रिलेटेड देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की। तो इसे द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। ऐसे 165 देशों में जारी किया गया है। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट की शुरुआत 2006 में की गई थी। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र इंडेक्स में सबसे बेहतर देश कौन से हैं? तो ये पहला स्थान है नॉर्वे का, दूसरा है आइसलैंड का और तीसरा स्थान स्वीडन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र इंडेक्स में सबसे खराब देश कौन से हैं? तो उत्तर कोरिया, कांगो और मध्य अफ्रीका, ये सबसे खराब देश हैं लोकतंत्र इंडेक्स में। वहीं दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत का 2018 में स्थान था 41वां, 2017 में 42वां स्थान था, और वहीं 2019 में 51वां स्थान रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों हम वैश्विक स्पर्धा सूचकांक 2020 के बारे में। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, और इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड।
अब दोस्तों इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दें तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो अमेरिका, स्वीडन और सिंगापुर ने पहला स्थान संयुक्त रूप से हासिल किया है। वहीं 2019 में भारत का 72वां स्थान रहा है और 2018 में 82वां था, यानी भारत 10 स्थान हासिल किया है ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। पहला आयोजन 2018 में किया गया था दिल्ली में, जिसमें पहला स्थान हरियाणा ने हासिल किया था। दूसरा इसका आयोजन पुणे में किया गया था, यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे अव्वल राज्य बना था। और 2020 में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था, यह असम में आयोजन किया गया था। दोस्तों अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम उनके बारे में चर्चा करते करके पहला क्वेश्चन है, 2020 में पहला स्थान किसने हासिल किया था? तो महाराष्ट्र ने किया है। दोस्तों महाराष्ट्र ने 256 मेडल 2020 में जीते हैं। वहीं दूसरा स्थान हरियाणा ने 200 मेडल जीतकर हासिल किया है और तीसरा स्थान दिल्ली ने 122 मेडल के साथ स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों वहीं बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने 12वां स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने कुल 46 मेडल जीते हैं 2020 के इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। दोस्तों बात करेंगे अब नेक्स्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में, जो हाल ही में यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है और इसके चेयरमैन है डलिया रूपियो। इसमें कुल 180 देश हैं। दोस्तों आपको बता दें इस रिपोर्ट में पहला स्थान डेनमार्क ने हासिल किया है और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड ने है। सबसे खराब देश है सोमालिया। वहीं भारत का 80वां स्थान है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा दोस्तों भारत का 2018 में 78वां स्थान था और 2017 में 81वां स्थान था। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है राइट टू वाटर योजना, इसके बारे में। इसके बारे में आपको बता दें यह जो मध्य प्रदेश द्वारा लाई गई योजना है, इससे भी आपको मध्य प्रदेश में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक नए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला है 1 करोड़ लोगों को घर में नल के जरिए पानी पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका कुल बजट 22.5 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें कुल गांव 14,000 शामिल किए गए हैं। नल जल समूह का बजट रखा गया है 6,672 करोड़ रुपए। यह मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट बजट है किसी भी योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रति व्यक्ति लीटर का लक्ष्य 55 लीटर प्रतिदिन रखा गया है, यानी दोस्तों एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा राइट टू वाटर योजना के अंतर्गत। दोस्तों अब लास्ट है टॉम ट्रैफिक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह रिपोर्ट जारी की है टॉम कंपनी ने। इसमें नीदरलैंड की नेविगेशन ये कंपनी है, टॉम कंपनी नीदरलैंड की है। दुनिया में सबसे खराब ट्रैफिक में पहला स्थान बेंगलुरु जो भारत का है और मनीला फिलीपींस, ये दोनों शहर सबसे खराब ट्रैफिक रिपोर्ट में चुने गए हैं। दोस्तों इस लिस्ट में टॉप 10 में भारत के 4 शहर चुने गए हैं, जिसमें पहला है बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और नई दिल्ली। इन चारों शहरों को इस रिपोर्ट में ऐड किया गया है। दोस्तों आपको बता दें एक व्यक्ति इन शहरों में अपनी पूरी जिंदगी के औसतन 193 घंटे जाम में बिताता है, यानी इन चार शहरों में अगर जाम लग जाता है तो औसतन पूरी जिंदगी के 193 घंटे एक व्यक्ति जाम में बिताता है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी टॉम ट्रैफिक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमसे ऐड हो सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी और इम्पोर्टेंट पीडीएफ चाहिए है तो वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सारे वीडियो के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।